हेलो दोस्तों, पांडा सोशल चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साउथ की अपकमिंग बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, जो कि सेम डेट पर एक दूसरे के साथ काफी तगड़ी क्लैश करने वाली हैं। ईयर 2024 में इस साल जहां साउथ की हमें इंडियन 2 और कल्कि जैसी बड़ी फिल्में देखने को मिली हैं, तो वहीं अब कुछ ऐसी अपकमिंग मूवीज भी साउथ की तरफ से आने वाली हैं जिनका हमें काफी समय से इंतजार था, और इस साल फाइनली वो फिल्में आने वाली हैं जिनमें अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जूनियर NTR की देवरा जैसी बड़ी फिल्में आ रही हैं, और कई ऐसी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2024 इसमें कौन कौन सी साउथ फिल्में एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाली हैं। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 7 पर है डबल स्मार्ट वर्सेस थंगलन। डबल स्मार्ट तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली राम पोतनी की एक अपकमिंग मच अवेटेड साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिल फिल्म है। तो वहीं थंगलन चियान विक्रम सर की एक अपकमिंग तमिल इंडस्ट्री से आने वाली एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो कि 2024 की मोस्ट एंटिसिपेटेड पैन इंडियन मूवीज में से एक है, जिसे पान रंजीत ने डायरेक्ट किया है, जिसमें चियान विक्रम एक न्यू और खतरनाक लुक में नजर आने वाले हैं। तो वहीं डबल स्मार्ट को डायरेक्शन दी है पुरी जगन्नाथ, जिसमें राम पुतनी लीड रोल में दिखाई देंगे, तो वहीं संजय दत्त विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। और ये दोनों फिल्में साउथ इंडस्ट्री की काफी मच अवेटेड मूवीज हैं, जिन्हें 15 अगस्त 2024 के मौके पर रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 पर है टाइसन नायडू वर्सेस तेलुसु काडा। टाइसन नायडू तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली एक अपकमिंग एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म है। तो वहीं तेलुसु काडा भी तेलुगु लैंग्वेज की एक अपकमिंग रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट किया है नीरजा कोना ने, जिसकी स्टार कास्ट में राशि खन्ना, सिद्धू जोनालगड्डा और सुनिधि शेट्टी दिखाई देंगे। तो वहीं टाइसन नायडू के लीड रोल में बेलनकोंडा, साई श्रीनिवास और नाबा नतीश नजर आने वाले हैं, जहां फिल्म को डायरेक्शन दी है सागर के चंद्रा ने, और ये दोनों फिल्में एक ही डेट पर 14 सितंबर को रिलीज होंगी। नंबर 5 पर है देवरा पार्ट 1 वर्सेस ओजी। देवरा पार्ट 1 तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली जूनियर NTR की एक अपकमिंग एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म है। तो वहीं ओजी भी पवन कल्याण की तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली एक अपकमिंग एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है, जिसे सुजीत ने डायरेक्ट किया है, जहां पर मूवी के लीड रोल में पवन कल्याण दिखाई देंगे और विलन का रोल इमरान हाशमी प्ले करने वाले हैं। तो वहीं देवरा के लीड रोल में जूनियर NTR और जानवी कपूर दिखाई देंगे, तो विलन के रोल में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। और ये दोनों तेलुगु इंडस्ट्री की काफी बड़ी फिल्में हैं, जिन्हें 27 सितंबर को एक साथ रिलीज किया जाएगा। नंबर 4 पर है कंगुआ वर्सेस वेतियन। कंगुआ तमिल इंडस्ट्री से आने वाली सूर्या की एक अपकमिंग फैंटेसी एक्शन थ्रिल फिल्म है। तो वहीं वेतियन भी तमिल इंडस्ट्री से आने वाली रजनीकांत सर की एक अपकमिंग कॉप एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें रजनीकांत सर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देंगे। वेतियन में रजनीकांत सर के साथ अलग अलग इंडस्ट्री के कई और सुपरस्टार भी नजर आने वाले हैं। तो वहीं कंगुआ के लीड रोल में सूर्या और विलन के रोल में लॉर्ड बॉबी दिखाई देंगे, और ये दोनों तमिल इंडस्ट्री से आने वाली काफी बड़ी और 2024 की मच अवेटेड मूवीज में से एक हैं, जो 10 अक्टूबर 2024 को एक दूसरे के साथ काफी तगड़ी क्लैश करने वाली हैं। नंबर 3 पर है विदा मुयर्ची वर्सेस अमारन। विदा मुयर्ची जहां तमिल इंडस्ट्री से आने वाली एक अपकमिंग एक्शन थ्रिल फिल्म है, तो वहीं अमारन भी तमिल इंडस्ट्री से आने वाली एक अपकमिंग एक्शन वॉर बायोग्राफी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में सेवा कार्तिकेयन, साई पल्लवी और राहुल बोस दिखाई देंगे। तो वहीं विदा मुयर्ची की स्टार कास्ट में अजित कुमार, त्रिशा कृष्णा, संजय दत्त, अर्जुन सारजा, निखिल सिद्धार्थ, अर्जुन दास और अगीना कैसंद्रा के साथ कई और कलाकार दिखाई देंगे, और ये दोनों फिल्में 31 अक्टूबर 2024 के मौके पर एक दूसरे के साथ काफी तगड़ी क्लैश करने वाली हैं। नंबर 2 पर आती है रॉबिन हुड वर्सेस थंडल। रॉबिन हुड जहां निखिल की एक अपकमिंग रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, तो वहीं थंडल नागा चैतन्य की एक अपकमिंग एक्शन रोमांस थ्रिल एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसके लीड रोल में नागा चैतन्य और साई पल्लवी दिखाई देंगे। तो वहीं रॉबिन हुड की स्टार कास्ट में नितिन के साथ श्रीलीला, विनय किशोर, कायल पोल और राजेंद्र प्रसाद नजर आने वाले हैं, और ये दोनों फिल्में 20 दिसंबर 2024 के मौके पर रिलीज की जाएंगी। नंबर 1 पर आती है राक्षस राजा वर्सेस कांतारा 2 अ लेजेंड चैप्टर 1। राक्षस राजा बाहुबली के भल्लाल देव राणा दगुपति की एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज की गैंगस्टर बेस्ड एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें राणा दगुपति एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे। तो वहीं कांतारा 2 कनाडा इंडस्ट्री की एक अपकमिंग एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है, जो कांतारा 1 की प्रीक्वल फिल्म होने वाली है, जिसमें कांतारा से पहले की कहानी देखने को मिलेगी, और ये दोनों फिल्में दिसंबर 2024 या 2025 के स्टार्ट में एक दूसरे के साथ क्लैश करने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉप 7 साउथ मूवीज क्लैशेस, जो कि ईयर 2024 में आने वाली हैं। और आप इनमें से कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको देखने को मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।